देखिए स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कर्तृवाच यहाँ पे, कर्मवाच यहाँ पे, भाववाच लिखा है। अच्छा, संस्कृत में दो चीज और मिलता है आप लोगों को, कभी कभी आप लोगों को देखिए जब आप लोग पढ़ते हैं उसमें आ जाता है परस्मै पदी, कभी आ जाता है आत्मनि पदी ना। इसका एग्जैक्ट परिभाषा पता है किसी को है? परस्मै पदी किसे कहते? सब लोग बताए होंगे कि जो भव ये पठति पठता पठंत की तरह रूप चलता है वही क्या होता है, परस्मै पदी। यही बताया गया है ना, बात तो सही है लेकिन होता कैसे भाई? जब तक पठित पठता पठंत की तरह रूप नहीं चलेगा तब तक परस्मै पदी वाला जो धातु रूप होता है वो लगाया नहीं जाता। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया तटम तटी तटम ना, हम जब स्टार्ट किए थे तो आप लोगों से बताया किसी भी शब्द को अगर आपको स्त्रीलिंग बनाना हो तो क्या करना चाहिए, अगर नपुंसक लिंग बनाना हो तो क्या करना चाहिए, अगर वो पुलिंग बनाना है तो क्या करना चाहिए, हमने बताया था कि नहीं? तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि ये बताइए कि नपुंसक लिंग वाला शब्द कौन सा है, क्या है? तटम है। ये शुक्ला कास्ट, कोई शुक्ला तो नहीं है इसमें, है ना? अच्छा ये बताइए जो पुरुष होते हैं वो शुक्ल लिखते हैं और स्त्रियां क्या लिखती हैं? समझ में आया कि नहीं? मिश्र मिश्रा लिखते हैं, अगर कोई दूसरा कुछ रहेगा तो मिश्रम लिख देगा। तो यहाँ पे देखिए ये पुलिंग के लिए प्रयोग हुआ, ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ और ये किसके लिए? नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग हुआ। कोई भी शब्द मैं, अगर जैसे मैं हूं, अगर मैंने कह दिया कि मैं संजीव, इसका मतलब क्या हूं इस समय? नहीं अभी संस्कृत में ना पुलिंग हो जी, अरे अभी बन रहे हैं हम स्त्रीलिंग बन रहे, टेंशन ना लो। लेकिन इस समय हमारी औकात क्या है? मैं पुलिंग हूँ, लेकिन जब मुझे आप स्त्रीलिंग बनाने की कोशिश करेंगे तो संजीव में आपको कौन सा प्रत्यय लगाना पड़ेगा? टाप प्रत्यय, और टाप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय होता है क्योंकि स्त्री टाप पहनती। समझ में आया कि नहीं? हंस रहे हो आप लोग, सही। अब इस टाप का आ शेष रहता है, क्या शेष रहता है? आ शेष रहता है। अगर कोई भी शब्द होगा जब वहां पे टाप प्रत्यय लगा दिया जाएगा तो ये टाप नहीं लगता है, टाप के बदले जो शेष रहता है ना वो चीज जोड़ दिया जाता है। तो ये बताइए इस व में आ जोड़ दिया गया तो क्या बन जाएगा? संजीवा। इस समय हम कौन से हाँ हमारा लिंग परिवर्तन हो गया, धर्म परिवर्तन हो गया, लेकिन अभी स्त्रीलिंग से आप और मुझे एक जगह बना सकती हैं नपुंसक, लेकिन शर्त ये है कि जो पुलिंग वाला शब्द होता है उसी में परिवर्तन होता है, स्त्रीलिंग वाले शब्द में परिवर्तन नहीं होता है। एकदम दिमाग में रख लो, स्त्रीलिंग का कोई भी पहला ही नाम अपने आप में संस्कृत का होता है। जैसे हमने लिख दिया, देखिए संजीव जैसे यहाँ से हटा दे, इस समय हमारी स्थिति हिंदी में इसमें है, हिंदी में। जैसे ही मुझे संस्कृत का, अब इस संजीव का अर्थ बताना है कि संजीव भाई साहब है क्या, संजीव अकेले हैं, कौन सा वचन है यहाँ पे? अच्छा संजीव जो शब्द है कौन सा आकारांत है, इकारांत है, इकारांत है, कौन सा शब्द है, कैसे पता लगाया? बोलिए। हाँ देखिए कोई भी शब्द होगा तो इस लास्ट वाले वर्ड में जो भी स्वर की मात्रा रहेगी तो वही से ये संजीव, इसमें अकारांत संजीव होता है कि होती है? होता है ना, तो पुलिंग मिल जाती है, ये अकारांत पुलिंग शब्द हो गया। अगर हमने जैसे लिख दिया मात्री, बताइए तम किसकी मात्रा है? री की है ना, तो ये रिकारांत शब्द हो जाएगा, लेकिन माता होती है, होता है, होती है, तो इस समय ये रिकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गया। आप लोगों का समझ गए कि नहीं? कोई भी शब्द आपको जैसे लिख दिया कि ये घोटक है, घोटक माने बोलो, और है माने घोड़ा, पक्का तुरंग माने घोड़ा, बाज माने घोड़ा, और बिंदु चपला चल चला तड़ी दाम निशा दाम। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये क का क्या होता है लास्ट में, कौन सा स्वर है? अ है, इसका मतलब ये का घोड़ा होता है, बोलती है, अकारांत पुलिंग शब्द हो गया। तो ऐसे पहचान, अगर हमने लिख दिया नदी तो कौन सा शब्द है? अकारांत है कि करांत? अगर हमने लिख दिया वधु तो बहुत सही, अगर हमने लिख दिया मधु मधु, अगर हमने लिख दिया हरि,
अब समझ रहे ना, कोई भी शब्द होगा उसके लास्ट वाले वर्ड पर जिस भी स्वर की मात्रा होगी वैसे जोड़ के बता दीजिए अकारांत है करांत है। तब देखिए संजीव को आपने क्या बना दिया इस समय स्त्रीलिंग। अब मुझे अगर आप लोगों को क्या बनाना है बोलो, नपुंसकलिंग इसी हम जोड़ दो तो क्या हो जाएंगे संजीवम। अब देख लो संजीव को यहाँ पे देखिए मैं पुल्लिंग हूँ, इसमें मैं स्त्रीलिंग हूँ और इसमें आप देखिए यहाँ पे शुक्ला है, शुक्ला शुक्ला। कोई भी शब्द आपको अगर मिल जाए तो ध्यान दीजिएगा जिस समय उस लिंग की पहचान करनी है कि भैया ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है नपुंसकलिंग है। तो देखिए नपुंसकलिंग वाले में हमेशा आम जुड़ा होता है, कोई भी शब्द होगा अगर आम जुड़ा है तो वो क्या है नपुंसकलिंग है। अगर उसमें टाप प्रत्यय लगा हुआ है देखिए शुक्ला तो वो क्या होगा स्त्रीलिंग शब्द होगा और ये तो सबको पता ही है। तो यहाँ तटह तटी खत्म कर दिया तो ये पुलिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग हो गया। अब आगे चलते हैं क्योंकि इसको कंफर्म करके उधर चलना है ना हम लोगों को। अब देखते जाइएगा एक वचन बालक का रूप याद हो गया सबको है, बोलो जी बोले थे ना कब याद हुई है बोलो जी। खाना खाना काफी भूलते हो आप लोग, हैं सुबह जल्दी जल्दी खाना खाती तो हो नहीं ऐसे चले आते जाते। दिन भर ऐसे रहती हो? हाँ सर 3 बजे घर जाते थे। खा भी दी एक कसम तो रहे सर सर ये देखिए विद्या जी सामने है सर विद्या जी सामने है अगर हमने लिख दिया ध्यान देना, अगर हमने लिख दिया बालक है इधर लिख दिया बालको और फिर लिख दिया बालका, हमने पूछा बालका है क्या है बालका शब्द है एक वचन दो वचन बहुवचन बहुवचन देख लीजिए भूल गए पता नहीं आवाज आ रही होगी हाँ भैया कौनो बात ना हम तेज बोलत रहे ना बताइए बालका है एक बचन दो बचन बहुवचन बहुवचन है ना और बालको और बालका है बालका माने कितने बालक बालको माने और बालका माने ये इस समय कौन सा रूप है ये शब्द रूप है का क्या है ये एक बचन ये दो बचन ये क्या है बहुवचन है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कौन सी विभक्ति है ये प्रथमा विभक्ति है। एक हम लोग धातु रूप लिख लेते हैं क्या लिख लेते हैं धातु रूप ठीक है यहाँ पे लिखते हैं इसमें भी एक बचन होता है इसमें एक चीज जानते रहो संस्कृत में कितने वचन होते हैं एक वचन दो वचन बहुवचन कितने वचन हुए अच्छा अब देखिए कितने पुरुष होते हैं कौन कौन से प्रथम पुरुष या इसी को क्या कहते हैं फिर उसके बाद उत्तम पुरुष। तो यहाँ पे हम लोग प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का एक वचन दो वचन में रूप लिख लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं पठती यहाँ पे लिखते हैं पठता है यहाँ पे लिख लेते हैं पठंती। ध्यान दीजिएगा आप लोग जैसे हमने कहा बालक पढ़ता है बालक पढ़ता है हमने कहा दो बालक पढ़ते हैं दो बालक पढ़ते हैं तीसरा लिख दिया बहुत सारे बालक पढ़ते हैं इसका ट्रांसलेशन सॉरी अनुवाद क्या होगा संस्कृत में क्या होगा क्यों होगा बालक के साथ बालका के साथ पठत क्यों लगा क्योंकि बालक जो है वो एक वचन और कर्ती वाच्य होगा कर्ता के अनुसार हाँ बात तो सही है कर्ता के अनुसार होगा लेकिन अगर हमने जैसे लिख दिया दो बालक यहाँ पे लिख दिया हमने बालको पठती गलत है सही है क्यों क्योंकि बालक जो है दो वचन है। अब मैं बताता हूँ ध्यान दीजिएगा जो लोग नए हैं कि ये होता है कि जिस नंबर जिस वचन का कर्ता होता है उसी के अनुसार हमारी क्रिया लगती है
याद रखिएगा। देखिए ये धातु रूप है, धातु रूप भी तीन रूप भाई, तीन वचनों में चलता है और तीन इसमें पुरुष होते हैं। तो स्टार्टिंग में पठति पठता है पठंती, फिर उसके बाद होता है क्या पठसी पठथ पठत है, फिर उसके बाद क्या होता है पठामी पठावह पठामह होता है। तो देख लीजिए बहुवचन में ये तीन होते हैं, द्विवचन में भी तीन रूप होते हैं और इसमें एक वचन में भी होते हैं। शर्त ये है कि ये प्रथम पुरुष का एक वचन दो वचन बहुवचन होता है, ये मध्यम पुरुष का एक वचन दो वचन बहुवचन, और ये किसका होता है उत्तम पुरुष का होता है। लेकिन शर्त इसमें यह है कि यहाँ पे बालक का जब रूप स्टार्ट करते हैं तो फिर द्वितीय विभक्ति में क्या आ जाता है बालकम आता है कि नहीं, बोलो बालक है बालको बालकम बालको, फिर क्या आ जाता है बालकान। ध्यान दीजिएगा ये एक वचन द्वितीय विभक्त का एक वचन के लिए प्रयोग किया जाएगा, ये द्वितीय विभक्त के दो वचन के लिए प्रयोग किया जाएगा, और ये द्वितीय विभक्त का अगर चिन्ह रहेगा अगर उसमें बहुवचन की बात की जाएगी तो फिर उसके बाद क्या प्रयोग किया जाएगा बालकान किया जाएगा। लेकिन वहां पर आपको चिन्ह मिलेगा एक को या को साइलेंट रहेगा तब आपको लगाना है, लेकिन यहाँ पे समझते चलिए। अब देखिए जब बालक अकेला था तो उसके साथ क्या लगा पठती, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग बालक ये हमने कहा दो बालक जाते हैं तो बालकों माने कितना दो बालक। अब यहाँ पे देखेंगे जो शब्द रूप का ये वचन क्या है दो वचन, तो हम भी देख लीजिए प्रथमा विभक्त का ये दो वचन है तो यहाँ पे प्रथम पुरुष का दो वचन क्या होगा पठत पठत है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा पठत है। अगर हमने कहा बहुत सारे बालक जाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा बालका उसके बाद क्या पठंती। देख लीजिए अगर बालक अकेला है तो पठती लगता है, अगर दो बालक हैं तो पठतः लगता है, अगर बहुत सारे बालक हैं तो क्या लगता है पठंती। तो जैसे जैसे यहाँ पे कर्ता बदल रहा है वैसे वैसे क्रिया को बदल रहा है कि नहीं, तो जब क्रिया कर्ता के अनुसार चले तो वही परिसमय पद होता है। अगर कर्ता अपना वो सॉरी वचन चेंज कर रहा है तो क्रिया भी अपना वचन चेंज करेगी, किसके साथ रहने के लिए कर्ता के साथ रहने के लिए। जब क्रिया कर्ता का पालन करे जब कर्ता के अनुसार चले उसे क्या कहते हैं परसमय पद कहते हैं। लिख लीजिए इसको लिखो जब जब क्रिया जब क्रिया कर्ता के अनुसार चले या कर्ता का पालन करे जब क्रिया कर्ता के अनुसार चले या कर्ता का पालन करे उसे क्या कहते हैं परस्मय पद। जैसे एग्जाम्पल फॉर आप लोग अनुवाद सबको आता है बनाना सबको आता है आए लिखो वह जाता है वे दोनों जाते हैं वे सब जाते हैं वे सब जाते हैं बनाइए फटाक से। अच्छा ये बताइए स्टार्टिंग मैंने सर्वनाम शब्द को बताया था ना, तो बताइए आप लोग सर्वनाम शब्द का अर्थ वही नहीं जानते आप लोग एकदम नहीं पढ़ी थी पढ़ी थी मतलब पूरा वे दोनों का क्या है वे दोनों जाते हैं तुम सब जाते हो वे दोनों तो जब वो बोली ही तब तू लिखबू अब देखिए जब हमने कहा वह जाता है तो आपने सह गच्छत सह के साथ क्या लगाया आप लोग नहीं हो देख लो एक बार फिर पुराने जमाने में चलना पड़ रहा है नहीं तो परस्मय पद खत्म ही नहीं होगा इस तरीके से। तो परस्मय पद किसे कहते हैं बताओ हाँ समझ गए कोई भी साधारण वाक्य होता है तो ऐसे नहीं चलता है एक बार देख लो आप लोग। जैसे सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है नौ होती है ना
इसमें एक वचन होता है, फिर क्या होता है, दो वचन होता है, फिर क्या होता है, देख लीजिए, एक दो ऐसे नहीं, मान लो एक वचन ही लिख देता हूँ, एक वचन होता है, फिर क्या होता है, दो ही वचन होता है। अब देखो हमको एक चीज ये पता चलता है कि अगर संस्कृत में पूछ लिया भैया कितने वचन होते हैं तो कितने वचन मिले, मिले कि नहीं। अगर उन्होंने पूछ लिया भैया कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं, तो ये पहला हो गया, दूसरा क्या होता है, मध्यम पुरुष हो गया, तीसरा क्या होता है, उत्तम पुरुष हो गया। एक चीज और जानो, मध्यम पुरुष को युष्मद कहते हैं, क्या कहते हैं, युष्मद, और उत्तम पुरुष को कहते हैं अश्मद, क्या कहते हैं, अश्मद। ये चीज जानते रहो आप लोग। वो पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से चार ठो शब्द दे देंगे, ठीक है, सर्वनाम शब्द चार दे देंगे, तो उसमें पूछेंगे निम्नलिखित में युष्मद शब्द है, आया था कि नहीं, तो अगर वो पूछ लेंगे तो अब देखिए मैं लिखने जा रहा हूं, सबसे पहले नंबर पे क्या होता है यहाँ पे, सहमाने, तव माने, वेदोनो, ते माने, वेशब, त्वम, त्वम माने, युष्मत शब्द है भाई ये, युवाम माने, तुम दोनों, यूयम माने, अब तो आएगा ही ना, उस तरीके से थोड़ी आता है तब जब लिखना होता है, अहम माने, आवाम माने, जनता, बोलो हमारे देश की आवाम, वयम माने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, हो गया। ये यहाँ पे एक धातु रूप लिख देते हैं, पढ़ने का ही लिख देते हैं, पठ धातु रूप, किसको याद है बोलो, अब ये लास्ट है, ध्यान देना आप लोग, इसके बाद अब कभी भी अनुवाद नहीं बताएंगे, याद रखना। फिर ये क्या है, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, पचासों बार जब भी मैं लिखता हूँ तो ऐसे बताता हूँ, इसका मतलब ये है कि प्रथम पुरुष को ही क्या कहा जाता है, अन्य पुरुष कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, मध्यम पुरुष, उसके बाद उत्तम पुरुष, क्या रूप है बोलो, पठति पठता है पठंती, फिर उसके आगे पठामी पठावा है पठामा है, एक दो तीन चार पाँच छ सात, कहे नहीं लगेगा जी, कहाँ नहीं लगाएं, ये क्या है, अच्छा हलंत कह रही थी का, अरे हलंत लगा दोगी तो आ तो खत्म हो जाएगा उसमें से, तो कहाँ से बोलोगी। अब देखो, सोच रहे थे जल्दी से बता के चले चलेंगे उधर, अब यहाँ पे देखिए, अब ये लास्ट है, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा वह पढ़ता है, अब आपको सबसे पहले तो सर्वनाम शब्द जानने होंगे कि सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी, नौ होती है, और इस सर्वनाम शब्दों में जो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का सर्वनाम होता है, एक वचन वाला क्या नाम है, श है, दो वचन के लिए तव, और बहुवचन के लिए ते होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि वह की स्थिति क्या है, सह, अब सह इस समय एक वचन है, कौन से पुरुष का बोलो, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का एक वचन है, कौन, सह, तो हमारा जो पढ़ने वाली जो पठ धातु होगी, इसका भी एक वचन प्रथम पुरुष का क्या है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, पठती लग गया, लगा कि नहीं। अच्छा, हमने कहा वे दोनों पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, अब देखिए वे दोनों की संस्कृत क्या है, कहां है, या है, तो तव, अब हम लोग देखेंगे कि तव की स्थिति क्या है, ये दो वचन है और कौन से पुरुष का है, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का क्या है, ये दो वचन है, तो हमारी जो क्रिया होगी वो भी प्रथम पुरुष और दो वचन होगी, क्या होगी, ये पठता है, ऐसे अनुवाद चलता है, ऐसे अनुवाद बनता है। फिर अगर हमने कहा वे सब पढ़ते हैं, तब बोलो, अगर हमने कहा वे सब पढ़ते हैं तो क्या होगी, अगर हमने कहा हम सब पढ़ते हैं तो
फटाफट देख के, हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है। हम दोनों पढ़ती हैं, बताओ हा? हम दोनों पढ़ती हैं, बोले सहू न बताओ। अगर हमने कहा मैं जाती हूँ, नहीं सॉरी मैं पढ़ती हूँ, हम पठान, मैं न पढ़ती हूँ। अच्छा हमने कहा वह जाती है, सा गच्छति हो जाएगा। जैसे अंग्रेजी में पुल्लिंग के लिए ही होता है और स्त्रीलिंग के लिए शी होता है, वैसे संस्कृत में पुल्लिंग के लिए शह होता है और स्त्रीलिंग के लिए शाह होता है, सा। ये पुल्लिंग है भाई, समझ रहे हैं, ये पुल्लिंग श है, और स्त्रीलिंग के लिए जो होता है वो क्या होता है, शाह होता है, सामान्य वह होता है, ठीक है। हमने कहा बताइए तुम दोनों पढ़ती हो, कौन बताएगा जल्दी से बताओ। पक्का हम दोनों जाती हैं, हम मैं पढ़ता हूँ, वे सब पढ़ते हैं, वे सब ते पठन, ते पठन, तुम सब पढ़ती हो, युलं पठत, पठत, पठत। तो ये चीज समझ में आया कि अनुवाद कैसे बनता है, लेकिन एक चीज समझो कि हमने कहा अगर तुम दोनों पढ़ती हो तो देखिए ये दो वचन है और कौन से पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है, तो आप तुरंत जाओगी जब धातु रूप में, ये भी मध्यम पुरुष का क्या है, दो वचन इसके साथ यही लगा दिया। जैसे जैसे कर्ता बदल रहा है वैसे क्रिया बदल रही है कि नहीं, देख रहे हो कि नहीं, ये कर्ता है भाई। हमने कहा वह पढ़ता है तो वह में कर्ता कौन, सॉरी वह पढ़ता है में कर्ता कौन, वह हुआ, तो वह की स्थिति जो रहेगी उसी के अनुसार ये क्रिया लगेगी संस्कृत की, याद रखिएगा। तो प्रश्नमय पद किसे कहते हैं, जब कर्ता के अनुसार कौन चले, क्रिया चले। तो एक बात सुन लो कि कर्ता में हमेशा कर्तृवाच्य में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा, कर्म में द्वितीया, और क्रिया क्या करती है, किसके अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार होती है। कह रहे हैं कि भैया हो हमारी आपके साथ शादी हो गई है, किसकी किसकी, कर्ता की शादी किससे, क्रिया से हो गई। जैसे जैसे ये बदलेंगे वैसे वैसे इनको बदलना पड़ेगा, भाई भैया शादी करें तो बदला ही पड़े है कि नहीं, हाँ इतना पैसा खर्च कर रहे हैं बताओ। तो परस्मय पदी सबको पता हो गया, अब देखते हैं आत्मनेपदी क्या होता है। अच्छा इसमें बताइए कर्ता कौन है, कर्ता कौन है, कर्म क्या है, आए? पता है कि पढ़ाओ कितना बताओ कितना, लेकिन बोलिए अपने मन के, समझ रही हो कि नहीं, हम आपसे और दे रहे हैं, मतलब अगर कोई चीज बताया जाए इतना जोर जोर से पोंपो चिल्लाते हैं, तो कहने का ये मतलब थोड़ी है कि आप लोग जो भी समझ में है तो भी बोल जाओ और उसके बाद हमको तकलीफ होती है ना, नहीं आ रहा है तो एकदम शांत होकर बैठो, कोई टेंशन ही ना लो, नहीं आता तो नहीं आता, आखिर हम है तो बताएंगे, अब झूठे में झूठ बोल रहा है। तो हम कितनी बार बताए हैं इसका हिंदी क्या होगा, कहाँ जाती है सीता, हाँ देखा भैया जोर जोर बोल दे, डराओ राव जी जाओ करा, सीता बाजार, हाँ। अब ध्यान दीजिएगा, जाना देखना उठना बैठना रोना खाना पीना सब क्रिया होती है, देखना भी लिखना भी पढ़ना भी बैठना भी ये सब क्या होती है, क्रिया होती है। और क्रिया कहाँ से मिलती है, धातु से आती है। देख लीजिए मैंने धातु लिखा है, थोड़ा सा समझिएगा, जो ये मैंने रूप लिखा है इसका मतलब क्या होता है, पढ़ना, तो पढ़ना क्या है, ये क्या है, ये क्रिया है, और ये क्रिया मिलती है किससे, धातु से। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे,
धातु कहेंगे। मतलब इसलिए मूल रूप कहा जाता है कि ये पढ़ना यहीं से पैदा हुआ है। समझ गए कि नहीं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। और ये पढ़ना भाई साहब कहाँ से मिले हैं? धातु से मिलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। तो कहाँ पहुँचे थे हम लोग? हाँ हाँ, अब देखिए, मान लो मैं लिख देता हूँ भाई, संजीव है, सॉरी संजीव बाजार, यहाँ पे लिख देता हूँ संजीव है आपणम गच्छति। तो बाजार कौन जा रहा है? संजीव। अब कैसे पता करोगे किसमें कर्म है? सीधे आप कर्ता कौन है, क्रिया क्या है? अब सही है, मतलब मैं बदल जाऊं तो आपको अच्छा लगता है? तो देख लीजिए, ध्यान दीजिए कि ये कर्ता संजीव को आप क्रिया से जोड़ो, संजीव अपने जाने की क्रिया से। भाई मैं ना हूं, मैं जा रहा हूं, जाने का काम कौन किया? मैं ही कर रहा हूं, संजीव कर रहा है। तो संजीव अपने जाने की क्रिया से सबसे ज्यादा कहां जाना चाहता है? बाजार, बाजार ना। तो आपको कर्ता को जब क्रिया से आप जोड़ देते हैं तो एक चीज मिलता है, वो क्या है? यहां पर बाजार मिलता है। तो अगर ऐसा करने पर, अगर जहां पर ऐसा चीज मिल जाए, तो सबसे पहली बात एक चीज जान लिया करो, कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। देखिए यहीं से आप समझते जाइए, द्वितीय विभक्त भी पढ़ेंगे, और यहां पे देखिए ये कर्तृवाच कर्मवाच पढ़ा रहे थे, कारक और चले आए इसमें, क्योंकि जरूरत थी। क्योंकि उन्होंने कहा कि कर्तृवाच के कर्ता में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी होती, बोलो? प्रथमा विभक्त होती है, कर्तृवाच। तो देख लीजिए ये कर्तृवाच है, इस समय कर्तृवाच के कर्ता कौन भाई साहब हैं? संजीव हैं। तो संजीव में हमेशा कौन सी विभक्ति रहेगी? प्रथमा। और कर्म में कौन सी विभक्ति रहेगी? द्वितीय। कर्मण द्वितीय एक सूत्र होता है, और एक ये भी होता है कर्तुम इप्सित तमम कर्म है। इप्सित माने चाहना होता है, इप्सित, इप्सित माने चाहना। तो वहां पे लिखा होता है कर्तुम इप्सित तमम। देखिए दो प्रत्यय होते हैं, एक तम प्रत्यय होता है, एक तमम प्रत्यय होता है। अगर कहीं पे किसी भी वाक्य में अगर तम प्रत्यय लग गया है तो कर्ता कम चाहता है। समझ रहे हो? किसी वाक्य में अगर तम प्रत्यय लगा हुआ है तो जिस वाक्य के लिए उसका प्रयोग किया जाता है तो कर्ता को वो चीज कम चाहत है। लेकिन जब उसमें तमम लग जाए, ये दोनों प्रत्यय होते हैं, जहां पे कम चाहत की बात होगी तम प्रत्यय लगता है, और जहां पे एकदम माने कर्ता को चाहिए ही चाहिए, मतलब कर्ता एकदम फुल लेंथ में चाहता है उसको, तो वहां पे कौन सा लगेगा प्रत्यय? तमम लगेगा। तो यहां पे सूत्र ही होता है कि कर्तुम इप्सित तमम कर्म है, मतलब संजीव कर्ता को, संजीव कर्ता को अपने जाने की क्रिया से, संजीव कर्ता को अपने जाने की क्रिया से सबसे ज्यादा कहां चाहत है जाने की? बाजार ना। तो ऐसा कर, यही तो कह रहे हैं कि जो कर्ता को सबसे ज्यादा इप्सित हो या चाहत हो वही तो कर्म हो जाता है। जब आपको ऐसा करने पर मिल जाता है कोई, तो वह सकर्मक क्रिया होती है पहली चीज। और उसका जब वाच्य का परिवर्तन करेंगे, तो जब कर्म मिल जाता है तो उसको कौन से वाच्य में परिवर्तित करेंगे? कर्म वाच्य में परिवर्तन होगा उसका। आई बात समझ में? और इस बाजार में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि कर्तृवाच का जो कर्ता होता है हमेशा कौन सी विभक्ति का? प्रथमा। और कर्म क्या होता है? और कर्ता किसके अनुसार चलती है? अब देख लीजिए, सबको पता चला? अब आत्मनेपदी किसे कहते हैं? एक चीज ये जानो कि बता दे, मैंने क्या लिखा हूँ? ये तो पहले मैं आता तो बताता, मैंने लिखा कि संजीव किसके साथ? भात के साथ क्या कर रहा है? ध्यान देना बात को, संजीव अपने खाने की क्रिया से सबसे ज्यादा क्या कहना चाहता है? क्या खाना चाहता है? आप भात ना खाना चाहते हैं?
और ओकरे साथ हम का खात है हम इप्सित बा। कोई भी व्यक्ति रहेगा विष खाई, लेकिन पता नहीं कि भाई मार झगड़ा बहुत घरे दुआरे में पति पत्नी से बहुत, लेकिन वो काम बनाई देब। मतलब कह रही है कि हे संजीव तुम्हारे भात में मैंने विष तो मिला दिया, ये आपको पता नहीं है, लेकिन आप खाना क्या चाहते। मैं आप वो औरत कहती है कि आपको मैं क्या सबसे ज़्यादा खिलाना चाहती हूँ, भात, भात खिलाना चाहती हूँ। लेकिन उन्होंने उस भात में कलह के नाते क्या मिला दिया है, विष मिला दिया है, और वो बात किसको नहीं पता है। और वो तो भैया संजीव अपने खाने की क्रिया से सबसे ज़्यादा भात ही ना खाना चाहते हैं। भुंजानो ओदनम, भुजा हुआ भात जौन पानी डाल दो भात बन जाता है ना चावल में, जब अच्छे सादान उदान दे करके बनाया जाता है। तो समझ में आया, इसको कहते हैं चानी इप्सितम, सूत्र के अंतर्गत है ये। पहले होता है कर्तुम इप्सित तमम कर्म, दूसरा होता है चानी इप्सितम। तो यहाँ पे कर्ता को जो चीज पसंद ना हो लेकिन इस भात के साथ उसको खाना पड़ रहा है, संजीव है, भुंजानो ओदनम भुंगते, लेकिन खा तो रहा है साथ में, लेकिन संजीव को ये चीज बात नहीं पता है। चलो जब द्वितीय विभक्ति आएगी तब बताएंगे, अभी तो जो चीज यहाँ लेके चल रहे हैं वो चलने दो। देखिए जब किसी भी वाक्य का, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था संजीव है आपणम गच्छति, ध्यान दे, अब इसी को हमको पता हो गया कि इसमें क्या मिला है, हमको कर्म मिला है, तो इसका परिवर्तन किस वाच्य में होगा, कर्म वाच्य में होगा। तो कर्म वाच्य के कर्ता में जब आप, आपको कर्म मिल जाए तो कर्म वाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति, तृतीया, कर्म में प्रथमा, और जो क्रिया होगी किसके अनुसार चलेगी, ये बात होती है। ध्यान देना, जब कर्तृवाच्य की बात होगी तो कर्तृवाच्य में प्रधान कौन होता है, प्रथमा होता है, सॉरी कर्ता प्रधान होता है, और कर्ता के अनुसार जो है क्रिया चलती है। लेकिन जैसे ही आपको किसी वाक्य में कर्म मिल जाता है तब जा करके यहाँ पे कर्ता में तृतीया विभक्त करेंगे और कर्म में प्रथमा विभक्त करेंगे, और जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार चलेगी। तो जब क्रिया कर्म के, जब कर्म के अनुसार क्रिया चलने लगे तो उसे क्या कहा जाता है, यह बात होती है। जब जो है कि ये हमारी क्रिया किसके अनुसार चलने लगे, कर्म के अनुसार चलने लगे, तो उसे क्या कहते हैं, आत्मनेपदी। और किसी भी, देख लीजिए यहाँ पे एक धातु है आपको, वो कौन सी धातु है, गम बराबर क्या होता है, गच्छ होता है, रूप कैसे चलता है, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। जैसे पठ धातु है, पठ धातु में कैसे रूप चलता है, पठति पठता, ऐसे चलता है ना। तो इसी पठ धातु में आपको ऐसे जोड़ दिया जाता है तो ये क्या बन जाएगा, पठ्यते। इस समय ये आत्मनेद होता नहीं है रूप, सेवते सेवेते सेवन्ते होता है कि नहीं, लभते लभेते लभन्ते। तो ऐसे ये पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते आपको आत्मने पद में बनाना ही पड़ेगा, किसको, इस क्रिया को। नहीं, तुम समझ नहीं, शब्द रूप माने दुनिया का जितने भी व्यक्ति हैं उनका आप रूप चला सकती हैं, वो शब्द रूप है। आपका रूप चलेगा शब्द रूप में चलेगा, मतलब कि जो क्रिया है क्रिया को धातु कहा जाता है। मैंने बताया क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। हमने कहा पढ़ना लिखना उठना बैठना रोना खाना पीना जी, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं सब क्या होती हैं, क्रिया होती हैं। और ये मिलती कहाँ से हैं, यहाँ से, शब्द रूप हो गया। बालक है बालको बालका, राम है रामो रामा, सीता वाला रूप हो गया, गीता का रूप हो गया, लता का रूप है, ये सब शब्द रूप हैं। आई बात समझ में, शिक्षक का रूप चलाएंगे ये भी शिक्षक है शिक्षको शिक्षका, घोटक है घोटको घोटका, मतलब किसी भी शब्द का जब आप रूप चलाती हैं तो वो शब्द रूप होता है। और एक चीज जो हमने सर्वनाम शब्द लिखा है, सर्वनाम शब्द का भी रूप चलता है, शहतौते तम तौतान ऐसे रूप चलता है, सातेता तामतेता तया, फिर उसके बाद आता तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाता है, ठीक है। तो उनका भी रूप चलता है, और अश्मद और युष्मद का भी रूप चलता है, लेकिन शर्त ये है कि जो सर्वनाम शब्द के रूप होते हैं वो प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्त तक ही चलते हैं। कहाँ से कहाँ तक चलेंगे लिख लो इसको,
सर्वनाम शब्द का रूप प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्त तक चलते हैं। संकेत है, लिखना चाहिए और जब पढ़ते रहो तो ध्यान में रहना चाहिए कि हाँ प्रथमा विभक्त का जो रूप होता है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है, प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्त तक चलता है। और जो शब्द रूप होते हैं वो प्रथमा से लेकर के संबोधन तक, मतलब सप्तमी विभक्त उसके बाद क्या आता है, संबोधन आता है, तो संबोधन तक चलते हैं पूरा वो। का भैया रूप प्रथमा विभक्त से लेकर के सप्तमी विभक्त तक चलता है। यह यव ये यम यव यान ये नियाभ्याम यही यशमे याभ्याम ये यशमात याभ्याम ये यशे, ये रूप नहीं सुने हो हैं तुम लोग, पकड़ के आए हो ना। अब देखिए इस समय आपको मिला है, ये देखिए परिवर्तन तो करना पड़ेगा, संजीव का परिवर्तन। इस समय संजीव की स्थिति क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है ना, इनको थर्ड में कर दो। बालक शब्द का रूप तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होता है, तो यहाँ पे संजीव है तो संजीव का क्या हो जाएगा, संजीवेन। इस समय ये कौन सी विभक्ति में है, हाँ कर्तृवाचिका है ना ये भाई, ये इस समय मेरा जो वाक्य है वो किस वाक्य वाचिका है, कर्तृवाचिका। तो कर्तृवाचिका जो कर्ता होता है हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा, और जो कर्म होता है वो कौन सी विभक्ति में होगा, और जो हमारी क्रिया होगी किसके अनुसार, तो ये भी तो एक वचन ही होगी है कि नहीं, प्रथम पुरुष एक वचन होगी। अब आगे आते हैं, जैसे ही हमको पता चला कि इस वाले वाक्य में हमको कर्म मिल गया है तो इसका परिवर्तन किस वाच्य में करेंगे, कर्मवाच्य में करेंगे। तो कहते हैं कि भैया अगर आपको कर्मवाच्य बनाना है तो ध्यान रखिए जो करता है उसको आपको किस विभक्ति में बदलना पड़ेगा, तृतीय विभक्ति में। तो संजीव है तो संजीव का जो तृतीय विभक्ति होगा वो संजीवेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संजीवेन। अब इनकी स्थिति क्या है, हाँ क्या हो, नहीं ये द्वितीय विभक्ति है, इनको पहले में लेके जाना है तो क्या हो जाएगा, जैसे ये यही न है, आपण शब्द है कि नहीं। अब इसको संस्कृत में एक वचन बनाना है तो क्या कर देंगे, तो आपड़ा हो गया, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो यहाँ पे आपड़म की स्थिति क्या हो जाएगी, आपड़ा हो जाएगी ना। अच्छा ये बताइए आपड़ा क्या है, एक वचन है कि नहीं, और ये प्रथमा विभक्ति है कि नहीं है। तो अब आपको जो ये गच्छति है, गच्छति कहां से पैदा हुआ, धातु से, तो गच्छति आपको मिलता है गम धातु से, कौन से धातु से, गम। गम माने क्या होता है, जाना होता है। अब इस गम धातु में आपको दो चीज जोड़ना होगा, या और ते, तो ये आपका परिवर्तन हो गया इसके अनुसार। इसका वचन क्या है, एक वचन है, और कौन सा ये विभक्ति है, प्रथमा। तो जो हमारी क्रिया होगी प्रथम पुरुष एक वचन होगी, इसके अनुसार ये चीज चलेगा। तो देखिए जैसे अगर यहाँ पे हमने कह दे आपड़ो, आपड़ा है आपड़ो, जैसे होता है बालक है, फिर उसके बाद क्या होता है, बालको, हमने लिख दिया आपड़ है, फिर यहाँ पे लिख दिया आपड़ो। अगर यहाँ पे हमने आपड़ हटा दिया, यहाँ पे लिख दिया आपड़ो, आपड़ो सही तो है, अगर आपड़ो तो यहाँ गम्यते रहेगा, ये इसकी पोजीशन इस समय क्या है, ये द्विवचन है, कौन सा वचन है, द्विवचन है। तो यहाँ पे गम्यते गम्यते हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गम्यते। तो देखिए जैसे ये कर्म बदल रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि कर्म के अनुसार कौन चलता है, क्रिया चलती है। तो जैसे यहाँ पे कर्म बदल रहा है वैसे ये चीज बदल रही है कि नहीं, ध्यान दो, क्योंकि आपको आत्मनेपद का एक रूप होता है उसको याद करना पड़ेगा। ऐसे चलता है सेवते सेवेते, फिर क्या होता है, सेवन्ते। लिख लो, होमवर्क लिखो, सेव धातु का रूप याद करके आएंगे सभी लोग, हाँ सेव वस धातु है यार, वसति वस्ता वसंती, और एक होता है कि सेव धातु, सेवते सेवेते सेवन्ते, ये आत्मने पद का एक रूप है। तो एक चीज समझ लीजिए आप लोगों को, इसके पहले मैंने जो विभक्ति पढ़ाई थी उसमें क्या लिखाया था,
कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? देखिए पीछे प्रथमा, और क्या लिखाया था है? तो दोनों चीज देखा कि नहीं, कर्तृवाच्य का जो कर्ता था उसमें प्रथमा विभक्ति मिला, और कर्मवाच्य का जो कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति। आपणम को आपने क्या बनाया? आपणह बनाया कि नहीं? उसको प्रथमा विभक्ति एक वचन किया। अब आगे लिखो, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। लिखो परिभाषा, लिखो कर्ता क्रिया के साथ मिलकर, जिसको सबसे अधिक चाहता है, कर्ता क्रिया के साथ मिलकर जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। परिभाषा बताओ कि मैंने क्या लिखाया है? हाँ देख लीजिए, राम करता अपने खाने की क्रिया से, जोड़ा कि नहीं? मैंने क्या कहा है कि कर्ता क्रिया के साथ मिल करके जिसको सबसे ज्यादा चाहे, तो मैंने कहा कि राम करता अपने खाने की क्रिया से सबसे ज्यादा क्या खाना चाहता है, तो यही इसी को कर्म कहते हैं। जब ऐसा करने पर कोई ऑब्जेक्ट मिल जाता है वही कर्म होता है। तो अब एक चीज मैंने, अगर हमने कहा कि सुजीत खाना खाता है, इसमें पूछा कर्म क्या है, जोड़ के बताओ, सुजीत अपने खाने की क्रिया से सबसे ज्यादा क्या करना चाहता है? खाना खाना चाहता है। आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है कि नहीं? अगर मैंने लिख दिया वह हमने कहा संजीव उद्यान में खेलता है, इसमें कर्म क्या है? कर्ता को क्रिया के साथ जोड़ करके देखिए चाहत बन रही है कि नहीं बन रही है, बनाइए। जोड़ो, जैसे एक चीज ये भी समझना, जो कर्ता होता है ना निश्चित रूप से वो चाहता हो और उसकी जो हिस्सेदारी वो परफेक्ट होनी चाहिए उस वाले वाक्य में। मैंने क्या लिखा है कि संजीव उद्यान में खेलता है, मैंने कहा संजीव अपने खेलने की क्रिया से सबसे ज्यादा क्या खेलना चाहता है, किया कि कहां खेलता है, कहां खेलता है, उद्यान में खेलता है। पहले चीज ऊपर देखो, राम क्या खाता है? राम, देखो सेंटेंस देखो सब लोग, राम अपने खाने की क्रिया से सबसे ज्यादा क्या खाना चाहता है? राम अपने खाने की क्रिया से सबसे ज्यादा क्या खाना चाहता है? भात। नीचे देखो, संजीव अपने खेलने की क्रिया से सबसे ज्यादा क्या खेलना चाहता है? उद्यान में खेल रहा है। मैंने परिभाषा क्या लिखाया है? सर आपने परिभाषा लिखवाया है कर्ता क्रिया के साथ मिलकर उसको सबसे अधिक चाहता है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए जो संजीव करता है उसको चाहत है, सर खेलने की चाहत है, लेकिन
ले तुम लोग, मैं जो पकड़ाना चाहता हूँ नहीं पकड़ पा रहे हो। ऊपर वाले में देखो सेंटेंस को, मैंने कहा राम, ध्यान दो, राम अपने खाने की क्रिया से, खाना नहीं छोड़ना है, क्रिया कर्ता को क्रिया से जोड़ना है ना, राम अपने खाने की क्रिया से सबसे ज्यादा, जो खाना चाहता है वो सबसे ज्यादा खाना चाहता है, वो क्या खाना चाहता है, भात। तो यहाँ पे मैंने कहा संजीव अपने खेलने की क्रिया से सबसे ज्यादा क्या खेलना चाहता है, भाई मैंने कहा दुनिया में चाहे उठना बैठना खेलना कूदना देखना रोना भागना दौड़ना कूदना गिरना मरना, मरना भी क्रिया है। अब देखिए, तो देखिए यहाँ पे कर्ता मेन हो जाता है, राम कर्ता अपने खाने की क्रिया से सबसे ज्यादा भात खाना चाहता है, मिल रहा है कि भैया हो भात खाए बिना एकदम मरत है, लेकिन यही कहा था हम ना मरत है। यहाँ मुझको देखिए, संजीव अपने खेलने की क्रिया से सबसे ज्यादा क्या खेलना चाहता है, तू उद्यान को खेलेगा। तो ऐसे में ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी वाक्य आता है जब वाच्य परिवर्तन करने की बात आती है और हिंदी में वाच्य को पहचानने की बात आती है, वहां पे ऐसे करके दे देता है, जब कर्ता की जो चाहत हो वो अकेले उस पर जाकर के गिर जाए। खाने की क्रिया, राम अकेले भात खाना चाहता है, यहाँ पर राम सर्वोपरि हो गया, लेकिन यहाँ पर संजीव उद्यान में खेलेंगे, वहां पे पता नहीं कितने लोग खेल रहे हैं। कह नहीं होगा संजीव, पहले सुनो, संजीव अपने जाने की क्रिया से सबसे ज्यादा कहाँ जाना चाह रहा है, तो यहाँ यहाँ पे कहाँ खेलना चाहता है, तो उद्यान में थोड़ी आएगा ना। पहले तुम लोग नहीं समझ, सुनो सुनो सुनो, अब यहाँ पे हमने कहा राम अपने खाने की क्रिया से कहाँ खाना चाहता है, नहीं आएगा ना। तो जो वाक्य होता है उस वाक्य को बैठा करके बोला जाता है, जैसे बाजार अगर आया तो जैसे हमने कहा सीता बाजार जाती है, सीता को क्रिया से जोड़ा, सीता अपने जाने की क्रिया से अकेला ने सीता बाजार जा रही है, कर्ता अकेले उसको चाहत रखेगा, उसमें कोई उसके साथ जुड़ेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा इसी चीज को, तो यहाँ पे कंफर्म करवा रहे हैं, यहाँ पे संजीव उद्यान में खेलता है, तो संजीव अकेले नहीं खेलता है, उस उद्यान में बहुत सारे लोग हैं, संजीव उनके साथ मिलकर के खेलता है, अकेले कर्ता के ऊपर यहाँ पे बात नहीं कही गई है। अगर हमने कहा मछलियां जल में रहती हैं, मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है, तो उन जल में मछलियों के साथ और मछलियां रहती हैं, अकेले मछली नहीं रहती है, तो मैं रहती है ना, मैं पेपर आधार हो गया, मछली का रहने का आधार क्या है, जल हो गया। अब हमने कहा मैं उद्यान में खेलता हूं, तो मेरा खेलने का आधार क्या है, उद्यान है, अगर उद्यान नहीं होता तो मैं खेलता क्या, सोचो, यहाँ पे आधार की बात हो गई, यहाँ पे द्वितीय विभक्त की बात नहीं है। हमने कहा मैं नगर में रहता हूं, नहीं होगा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें देखो मैं नगर में रहता हूं, अब ध्यान दीजिएगा मेरा रहने का आधार क्या है, अगर नगर नहीं होता तो मैं रह पाता नहीं, न रह पाता, तो इसमें कर्म है क्या, मैं अपने रहने की क्रिया से सबसे ज्यादा कहाँ रहना चाहता हूँ, मिल तो रहा है नगर में, लेकिन नगर मेरा रहने का आधार है और उस नगर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, मैं अकेले नहीं रह रहा हूँ, जहाँ पर कर्ता क्रिया के साथ मिले, लेकिन वहां पर कर्ता जिसको सबसे ज्यादा उस वाले वाक्य में चाहत रखता हो वही न होता है द्वितीय विभक्त का, क्या होता है, कर्म होता है, यही सूत्र भी कहता है। जैसे हमने यहाँ पे कह दिया तुम विद्यालय जाते हो, जोड़ो बनाओ इसका क्या होगा कर्म, अनुवाद नहीं बनाओ पहले, जैसे तुम अपने जाने की क्रिया से सबसे ज्यादा कहाँ जाना चाहते हो, तो अकेले ये तुम न जाएगा, चाहत आई कि नहीं, सर अकेले जब होगा तब वहाँ कर्म रहेगा, हाँ वही तो, कर्ता क्रिया के साथ जब जुड़ता है तो उसका जो फल हो, कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है तो यही कर्ता ही तो विद्यालय जाएगा,
अकेले, चाहत दो लोगों से चाहत थोड़ी होती है। अब यहाँ पे दो दो लोगों को लिख दीजिए चाहत कराइए, देखिए एक बोलेगा इस तरह एक बोलेगा उस तरह, क्लियर हो गया ना। अगर हमने कह दिया कि मैं आम खाता हूं, अकेले खा रहा हूं, मैं अपने खाने की क्रिया से मैं करता अपने खाने की क्रिया से सबसे ज्यादा क्या खाना चाहता हूं। हाँ भैया जाना बोले जाना था तो हूँ तो अब द्वितीय विभक्त लिखिए, बना लीजिए इसका, इसका संस्कृत अनुवाद बनाइए, अनुवाद तो बनाते चलो, ओदनम होता है इसका, संस्कृत बना दो अनुवाद फटाक से। राम ओदनम खादती, सह साकम सार्धम समम योगी तृतीय होता है, साथ भगवावत है। लेकिन सर सही तो जब राम सीता के साथ खाता था तो उसमें कर्म नहीं मिलेगा, मिलेगा सही तो वहाँ तृतीय विभक्त का करने लगी है। राम सीता का हमने कहा पिता पुत्र के साथ जाता है, उसमें एक सूत्र होता है सहयुक्ते अप्रधाने, क्या होता है सहयुक्त, देख लो थोड़ा सा उसको भी बता देते हैं। जी मैम ठीक है। राम चावल खाता है, ओ बताइए राम भात खाता है, क्या होगा अनुवाद इसका। हाँ तो उसमें कर्म क्या है, सीता बाजार जाती है, राम फल खाता है, बालक विद्यालय जाता है, दो बालक विद्यालय जाते हैं, बहुत सारे बालक विद्यालय जाते हैं, चलिए अनुवाद तो आ गया आप लोगों को, बहुत खुश हूं मैं।